सारेगामा कारवा विद हार्मन गार्डन स्पीकर्स कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ और फिर एक बार अपने सारेगामा कारवा के 5000 एवरग्रीन गानों के पिटारे में से कुछ यादों को ताजा कर जाने वाले और रूह को छू जाने वाले गाने और उससे जुड़े फिल्मों और सितारों के किस्से कहानियां लेकर लौट आई हूँ मैं। हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन कुछ रिश्तों में इस भरोसे को साबित करने के लिए हम खाते हैं कसमें, कभी खुदा की कसम तो कभी खुद की कसम। लेकिन जब कोई आपकी कसम खाए तब झलकती है उनके प्यार की सच्चाई। इसीलिए आज की मेरी प्लेलिस्ट उस फिल्म से है जिसमें रिश्तों में प्यार और भरोसे की अहमियत को दर्शाया गया है और जो फिल्म मेकर जे ओम प्रकाश जी की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। मैं बात कर रही हूँ द मोस्ट रोमांटिक राजेश खन्ना एंड द एवरग्रीन ब्यूटी मुमताज जी की फिल्म आपकी कसम की। जानते हैं यूके में 1974 में एक 700 सीट का थिएटर ओपन हुआ था स्पेसिफिकली एशियन फिल्मों के लिए, जिसका नाम था नटराज सिनेमा, और इस थिएटर की ओपनिंग में आपकी कसम फिल्म दिखाई गई थी। इट वॉज दैट बिग एट दैट टाइम। ये फिल्म कई सारे वजहों से एक क्लासिक कल्ट फिल्म है। आर डी बर्मन जी का दमदार म्यूजिक, आनंद बख्शी जी के मीनिंगफुल सॉन्ग्स और राजेश खन्ना और मुमताज जी की केमिस्ट्री। वैसे 1974 की आपकी कसम फिल्म राजेश खन्ना जी की आखिरी कुछ हिट फिल्मों में से एक थी और उसी समय मुमताज जी भी अपने करियर के पीक पर थी। तब मुमताज जी की नई नई शादी भी हुई थी एंड एट दैट टाइम शी वाज शूटिंग फॉर 3 फिल्म्स विद राजेश खन्ना साहब, आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी। 1974 में शी प्रूव्ड दैट एक एक्ट्रेस शादी के बाद भी अपने करियर के पीक पर रह सकती है एंड कैन मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी बैलेंस अपने काम और निजी जिंदगी में। वैसे कमिंग बैक टू द म्यूजिक ऑफ आपकी कसम, इस फिल्म के अंत में लिरिसिस्ट आनंद बख्शी की पोएट्री ने कमल यानी कि राजेश खन्ना जी के किरदार की मनोस्थिति को इतनी बखूबी ब्रिलियंटली एक्सप्रेस किया था कि मैं क्या बताऊं। वैसे इस फिल्म के दौरान एक खास वजह थी, एक खास बात थी जिसके कारण ओम प्रकाश जी को राजेश खन्ना जी के साथ काम करने में, उन्हें डायरेक्ट करने में काफ़ी मज़ा आता था, जिसके कारण राजेश खन्ना जी उनके पसंदीदा एक्टर भी बन गए। बताऊंगी इस वजह के बारे में जल्द ही, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं इस फिल्म से वो गाना जो बिना का गीत माला एनुअल लिस्ट 1974 का सेकंड टॉप मोस्ट सॉन्ग था, जो उस समय काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हुआ करता था और इस गाने को बहुत बड़े स्केल पर फिल्माया जाने वाला था। इसीलिए आर डी बर्मन साहब एक्स्ट्रा म्यूजिशियंस और कोरस टीम लेकर आए थे, जिसके चलते इस गाने का बजट कुछ 25,000 से 50,000 रुपये तक बढ़ गया था। जब ये बात डायरेक्टर साहब को पता चली तब वो चौंक कर 50,000 खर्च कर दिए, 50,000 खर्च कर दिए ऐसा कहने लगे। उसी समय रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में किशोर कुमार ने प्रवेश किया। उनके पहुंचने पर आर डी बर्मन जी ने सारा किस्सा उन्हें समझाया और कहा कि देखो भाई, तुम टेंशन मत लो और पूरे दिल से ये गाना गाओ। लेकिन हमारे किशोरदा तो ठहरे मनमौजी। रिकॉर्डिंग करते समय उन्हें मस्ती करने का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने इस गाने के अंत में ये किस्सा ही गा दिया। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाने के एंड में वो कहते हैं कि 50,000 खर्च हो गया। जिस गाने की मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ वो गाना है द अल्टीमेट होली सॉन्ग, जय जय शिव शंकर, और इसी गाने से कर रहे हैं आज के इस शो की शुरुआत। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो। जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी।
ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। एक के दो, दो के चार मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमीन दे, जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तुमने मुझे थाम लिया। सौरभ दी ओ बंसी भैया। चाहे हो जाए होने दो। ऐसे में तुम हो गए हो बड़े दीवार। सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। शंकर काटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया। सौरभ दी कारवा क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। Thank you.
न करो दिन जुदाई के बहुत है कम आपकी कसम आपकी कसम। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। हर एक नए शो के साथ मैं आपके लिए सारेगामा कारवा के क्लासिक गाने लेकर आती हूं। वैसे कि आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं के गाने, बी एट पंजाबी, बंगाली, मलयालम, इन्हीं तरह की भाषाओं में गाने सुनना और ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन म्यूज़िक ऐप जहाँ ये सारे गाने अवेलेबल होते हैं उनकी सब्सक्रिप्शन आप लेना नहीं चाहते या फिर उस झमेले में नहीं पड़ना चाहते, तो भाई ले लीजिए आप सारेगामा कारवा, क्योंकि इसके वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको मिल सकता है लॉन्ग टाइम का म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, वो भी अपने पसंदीदा लैंग्वेज में। आज अपने इस म्यूजिकल एंटरटेनमेंट बॉक्स में से मैं आपको आपकी कसम फिल्म के गाने सुना रही हूँ। जानते हैं, इस फिल्म में कमल के किरदार के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जो राजेश खन्ना जी को पर्सनल लेवल पर पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किरदार करना चाहा और एक चैलेंज की तरह इसे अपनाया। एंड एज वी नो, चाहे वो एक हैप्पीली मैरिड मैन का रूप हो या सस्पिशियस हस्बैंड का, अपने किरदार का हर एक एक पहलू उन्होंने बहुत ही कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया। वैसे इस फिल्म का एक सीन है जहां कमल को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो अपनी पत्नी सुनीता यानी मुमताज जी को पाने के लिए उनके पास जाता है। इस सीन को करते समय किसी ना किसी वजह से डायरेक्टर जे ओम प्रकाश जी को 7-8 रीटेक्स लेने पड़ गए थे,
राजेश खन्ना जी ने तो पहले ही टेक में परफेक्ट शॉट दे दिया था, लेकिन शूटिंग इक्विपमेंट के कारण, क्रेन के अननेसेसरी मूवमेंट के कारण डायरेक्टर साहब को सीन दोबारा रीशूट करना पड़ रहा था, डिस्टर्बेंस हो रही थी। इस फिल्म से जुड़ा ये किस्सा जी ओम प्रकाश जी के लिए इतना खास है और वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक है, क्योंकि राजेश जी ने इन सभी रीटेक्स को उसी प्रिसिशन के साथ में दिया था जैसे उनका पहला शॉट था। उनके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग और आंसू सब कुछ सातों शॉट में एकदम सेम थे। एज एन एक्टर ही कुड गेट इन हिज कैरेक्टर द सेम वे एंड कुड डिलीवर विद द सेम परफेक्शन इन ईच एंड एवरी टेक, विच जे ओम प्रकाश जी फाउंड वेरी इम्प्रेसिव। और इसीलिए राजेश खन्ना जी को डायरेक्ट करना जे ओम प्रकाश जी के लिए एक डिलाइट हुआ करता था। वैसे इस फिल्म का एक गाना है जो लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी ने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर लिखा था। कौन सा है वो गाना और क्या है इस गाने का किस्सा, बताऊंगी कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सुनाते हैं आपको वो गाना जिसके लिए राजेश खन्ना साहब ने दो टेक्स लिए थे, फिर भी वो खुश नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने एक और टेक लिया था, विच वॉज वेरी अनलाइक हिम, क्योंकि राजेश खन्ना साहब तो एक ही टेक में मतलब ओके डन कर देते थे। ऑल्सो आर डी बर्मन साहब ने इस गाने को बनाया था, इस गाने की धुन जो थी उसकी इंस्पिरेशन एक चालू डिफेक्टिव पंखे की आवाज़ से मिली थी। भाई पंखा भले ही डिफेक्टिव रहा हो लेकिन ये गाना बहुत ही पावरफुल और इमोशनली इफेक्टिव है। द सॉन्ग इज कॉल्ड सुनो कहो कहा सुना, बड़ा ही प्यारा गाना है, सुनिए जरा, साथ में गुनगुनाइए भी। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। सुनो कहा कहा सुना कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं कुछ भी नहीं। सुनो कहा अरे कहा सुना कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं कुछ भी नहीं। अरे चली हवा झुकी घटा कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं कुछ भी नहीं। नजारे करते हैं इशारे जो समझे कोई, मेरे शर्म ये खामोश आँखें भी करती है बातें जो समझे कोई। समझा नहीं तुम समझा दो, अरे सुनो हाँ कहो कहा अरे सुना कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं कुछ भी नहीं। सुनो हाँ कहो हाँ कहा सुना कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं कुछ भी नहीं। Thank you.
बात छेड़ेंगे, मर्जी नहीं है तुम्हारी अभी। कुछ हो गया तो बड़ी होगी मुश्किल, ये छोटी उम्र है हमारी अभी। मैं क्या करूं बतला दो। सुनो। हाँ कहो। कहा? अरे सुना। कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। चली हवा, झुकी घटा, कुछ हुआ क्या? जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो है। आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।
यह है कारवा क्लासिक्स रेडियो शो। मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज हम जिस फिल्म के गाने आपके लिए लेकर के आए हैं, ये फिल्म भी बड़ी कमाल है, गाने भी बहुत कमाल हैं, और एक एक गाने से जुड़ी हुई हमारी यादें तो बेमिसाल हैं। आपकी कसम फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये फिल्म एक मलयालम फिल्म वाजवे मयाम, जो कि 1970 में आई थी, उसकी रीमेक थी। जानते हैं डायरेक्टर जे ओम प्रकाश जी की ज़्यादातर फिल्मों के नाम या तो अ से या आ से शुरू होते थे। उनका मानना था कि क्योंकि उनकी पहली मूवी एज अ प्रोड्यूसर आस का पंछी आ से शुरू हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट हो गई थी, तो ये लेटर उनके लिए लकी है। सिर्फ दो ही ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई थी एज अ डायरेक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर, जो कि थी भगवान दादा एंड राजा रानी, जिसका नाम उन्होंने अ या आ से नहीं रखा था। जानते हैं आपकी कसम फिल्म जे ओम प्रकाश जी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट दोनों की थी। वैसे हर फिल्म में एक ऐसा गाना होता है जिसके कुछ स्पेसिफिक लिरिक्स होते हैं जिसके लिए हम वो गाना सुनते हैं और याद करते हैं। आपकी कसम फिल्म से ऐसा ही एक गाना है जिंदगी के सफर में। मैं खासकर ये गाना उस पैराग्राफ के लिए सुनती हूँ व्हेन इट सेज, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। ओह माय गॉड, क्या खूब लिखा है। ये वो गाना है जो आनंद बख्शी जी ने अपनी जिंदगी से प्रेरित होकर लिखा था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, जिसमें पहला नुकसान उनकी माँ थी, जब आनंद जी ने उन्हें 10 साल की उम्र में ही खो दिया था, फिर अपने मदरलैंड रावलपिंडी को छोड़ने का दर्द, और तीसरा दर्द अपनी पहचान खोने का दर्द। अब आप सोच रहे होंगे कि आनंद बख्शी जी तो बहुत पॉपुलर थे, तो उन्होंने अपनी पहचान कैसे खोई? जस्ट बिकॉज किसी इंसान को फेम मिली है डज नॉट मीन दैट ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये मैं काफी बार बात करती हूँ इस बारे में। आनंद बख्शी जी मानते थे कि उनकी असली पहचान आर्मी में थी, जब उन्हें एकदम ताव के साथ, गर्व के साथ आनंद प्रकाश बख्शी के नाम से जाना जाता था। तब उन्हें जो फील होता था, वो बोलते हैं कि वो फीलिंग उन्हें कभी दोबारा लाइफ में आई ही नहीं। वो अक्सर इस बात पर अफसोस करते थे कि उन्होंने फेम तो कमा लिया, लेकिन अपने ज़िंदगी के सफ़र में एक निडर सेना के आदमी का कॉन्फिडेंस खो दिया था। इस गाने के लिरिक्स को किशोर कुमार ने बहुत ही ब्यूटीफुली जस्टिफाई किया है। गाना सुनते हैं, चलिए, ज़िंदगी के सफ़र में बाय किशोर कुमार। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते। लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं,
वो हजारों के आने से मिलते नहीं, उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वेलकम बैक टू द शो, कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आपकी कसम फिल्म की शूटिंग 10 महीनों में कंप्लीट हुई थी और एक साल में करीब ये फिल्म रिलीज हो गई थी। दिस फिल्म इज नोन फॉर इट्स सॉन्ग्स एंड द ग्रेट परफॉर्मेंसेज ऑफ राजेश खन्ना साहब एंड मुमताज जी, जिन्होंने साथ में कुछ 10 फिल्मों में काम किया है, इंक्लूडिंग मेमोरेबल वंस सच एज आपकी कसम, रोटी, अपना देश एंड सच्चा झूठा। और जिस भी फिल्म में ये दोनों एक्टर्स काम करते थे वो हिट तो होती ही थी। लेकिन इस फिल्म में एक और एक्टर है जो फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा है और वो है संजीव कुमार। जैसे मैंने पहले बताया कि जे ओम प्रकाश जी की ये पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी
और एक जांची परखी कमर्शियल फिल्म बनाने की बजाय उन्होंने एक इमोशनल फिल्म बनाई, वो भी उस समय के दो राइवल एक्टर्स के साथ में। ये जे ओम प्रकाश जी की एक बहुत ही ब्रेव चॉइस थी, मैं तो ऐसा मानती हूँ। उस समय काफ़ी कम डायरेक्टर्स थे जो संजीव और राजेश जी को साथ में कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि दोनों एक्टर्स में दोस्ती तो थी नहीं और निजी मामलों के कारण वो एक दूसरे से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। राजेश खन्ना जी कमल के रोल के लिए एकदम परफेक्ट थे और जे ओम प्रकाश जी की पहली चॉइस भी थे, लेकिन उन्हें ये ज़रूर लगा था कि मोहन के रोल के लिए संजीव जी को मनाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो हो सकता है किसी और को भी लेना पड़े। लेकिन जब उन्होंने संजीव जी को स्टोरी नरेट की, तब संजीव जी ने बगैर हिचकिचाए फिल्म के लिए हाँ कह दी थी, इवन दो फिल्म में राजेश खन्ना जी लीड में थे। वैसे इस फिल्म में राजेश खन्ना जी की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है, स्पेशली फिल्म के क्लाइमैक्स में जहाँ राजेश खन्ना कैरेक्टर डाइज लाइक अ हीरो इन संजीव कुमार लैप। उफ, लेकिन संजीव जी के डायलॉग्स इतने पावरफुल थे कि इट स्टोल द शो ऑल टुगेदर। वैसे जे ओम प्रकाश जी ने दोनों ही एक्टर्स के साथ फिर से आक्रमण फिल्म में काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट डू वेल। चलिए सुनाते हैं आपको आपकी कसम फिल्म से ये अगला गाना, एक ऐसा गाना है जो कि भुलाए नहीं भूले जाता है। गाना भी कुछ इसी फीलिंग पर है, सुनिए गाना, सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। आज मुहब्बत बंद है।
कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवा क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारे कामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। जय जय शिव शंकर।